गुरु का ही ज्ञान काम आया था, माँ ने दो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने सिखाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबी अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों आज का जो मैं खेल बताने जा रहा हूँ तो वो कमिट मेरे पास आए थे कि उस्ताद जी कबूतर मुंह उठा रहा है, कबूतर आगे नहीं जा रहा, कबूतर के अंदर जान नहीं है, कबूतर अच्छी लड़ाइयाँ नहीं कर रहा। तो ये सब बातें जो हैं इस खेल में मौजूद हैं, जो आपका कबूतर बढ़िया उड़ाएगा, लड़ाइयाँ भी अच्छी कराएगा और लंबी भी कराएगा और हद भी तुड़वाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से इस खेल को बनाना है और जो जो मैं इंग्रेडिएंट इसमें डालूंगा उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले लेते हैं, ये बड़ी वाली हरड़ है, 50 कबूतरों में इसके हमने तकरीबन 30 हिस्से लेने हैं। इस तरह से पत्थर बड़ा है मेरा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जब से ये पत्थर मैंने नया लगाया है तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये पत्थर बड़ा है। 10 इंची के घेरे में आपको हिस्से लगाने हैं, 25 हिस्से, 30 हिस्से, बस इससे ज़्यादा नहीं, ये हमने लगा दिए हैं। और इसको साफ कर लेते हैं पानी में। 50 कबूतरों का ये पानी बना के दे रहा हूँ आपको। अब लेने हैं दोस्तों हमने ये अखरोट की गिरी। अखरोट की गिरी जो लेनी है हमने, वो दोस्तों बस एक अखरोट की गिरी लेनी है। ये जो दो पीस हुए हैं ये एक ही अखरोट की गिरी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि हर खेल का हिसाब अलग होता है, किस तरह से खेल को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। इसको भी आपने हल्के हल्के आस्ते से रगड़ना है, ज़्यादा टाइट हाथ से गिस्से नहीं लेने आपने, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि दोस्तों ये नाजुक बहुत होता है, ज़्यादा टाइट हाथ आप रखेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए आपको बहुत आराम से बहुत हल्के हाथ से ये हिस्से लगाने हैं। दोस्तों ये जो अखरोट की गिरी होती है माशाल्लाह इसके अंदर बहुत ताकत होती है, और इसलिए हमने इसकी मकदार जो है वो सिर्फ एक अखरोट रखी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने जो आपको खेल पानी बताए हैं तो उसमें अभी मैंने ये अखरोट नहीं लगवाया है, इस वजह से जो मेरे खेल पानी लोग लगा रहे हैं तो उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि वो एक ही अखरोट लें, ज़्यादा ना लें। अब ये टूटना शुरू हो गया, टूटने लगा, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में रगड़ लेंगे। पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब ये दूसरा उठाते हैं, इसको भी ऐसी तरह से हमने आहिस्ता हाथों से और सोच समझ के ये तो बहुत जानदार खेल है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया खेल है, ये मज़ा आ जाएगा इस खेल में। मगर शर्त यही होती है कि खेल तरीके से बनना चाहिए। ये देखो ये बन रहा है तरीके से, ये भी टूट चुका है, जितना छोटा हो जाता है उतना फिर वो टूटने लगता है, बहुत हल्के हाथ से हमने ये हिस्से लेने हैं।
पूरा पानी वाइट दूध या हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह से दबाते हुए रगड़ लेना है। दोस्तों इस खेल से एक तो कबूतर अगर आपका भूख में भी होगा तो उसकी भूख भी ख़त्म होगी, और दूसरी बात ये जब कबूतर आपका लड़ाई करने जाएगा तो सैदी की टुकड़ी में नहीं रुकने का है। इस खेल की बहुत खूबियां हैं, बहुत जानदार खेल है ये। सारा काम हो चुका है, अच्छा दोस्तों ये अम्मा हल्दी मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, सिर्फ इस सीज़न में मैंने शुरू में यह अम्मा हल्दी बताई थी जहाँ ज़रूरत थी इसकी, उसके बीच में इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया था। अब मौसम इसका शुरू हुआ है और इसे आप खेल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं शुरू में आपको ये बताता अम्मा हल्दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था सिवाय नुकसान के, कबूतरों को नुकसान देती है। इसलिए अब मौसम इसका बना है ठंडा गर्म, आप बेझिझक होकर इसको खेल सकते हैं। तो इसके भी आपने 35 से 40 हिस्से लेने हैं अम्मा हल्दी के, साफ़ सुथरी अम्मा हल्दी हो इस तरह से 35 से 40 रगड़े आपने लेने हैं। और जिनका कबूतर मुंह उठा रहा है या दबके नहीं जा रहा, इस खेल से हद भी तोड़ेगा और दबके भी जाएगा कबूतर। ये हो गए हमारे यहाँ महल्ली। अब दोस्तों हमने ये दखनी मिर्च लेनी है 5, इसको भी आस्ता आस्ता अच्छा वीडियो मैंने जो आपको थंबनेल पर काले काले बीज दिखाए हैं उसका भी मैं खेल आपको दूंगा, और एक खेल मैं दे चुका हूँ 3 साल पहले उन्हीं बीजों का, वो इस वीडियो के बाद मैं आपको खेल दूंगा, मेरा ही निकाला हुआ वो खेल है, वो जो बीज आप देख रहे थे पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा उसके बारे में। अब दोस्तों ये है मिश्री, इसको हमने तोड़ लेना है क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये मिश्री भी इसमें शामिल होगी बादाम बराबर। ये हमने निकाल लिया बादाम बराबर, कबूतर कुंदा मारेगा बढ़िया करके, बेहतरीन पर चलाएगा कैंची की तरह, मज़ा आ जाएगा आपको ये खेल लगा के। अब जो दोस्तों इसमें आखिरी चीज़ रह गई है वो अब मैं दिखाता हूँ, दोस्तों ये पिपली है बड़ी वाली, इसका भी मौसम अब शुरू हुआ है, पहले इसका लगाने का कोई मतलब नहीं था इसी वजह से मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा था, ये आप लगा सकते हैं और बहुत मामूली सा लगेगा ये, ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत एक अलग चीज़ है और खेल में हिसाब से लगती है। तो ये बड़ी पीपल है, इसको खड़ा करके सिर्फ हमने 25 से 30 हिस्से मारने हैं इसके इस तरह से, क्योंकि दोस्तों मौसम के हिसाब से हर चीज़ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी लगा दो,
ये देखो बस हमने इतनी सी ली है, जरी सी बिल्कुल। अब ये पानी हमारा बन के रेडी हो गया। आप दाना करने के बाद रख सकते हैं, सुबह हो शाम हो रात हो किसी भी टाइम आप इसको रख सकते हैं। पानी बन के हमारा रेडी है, बेहतरीन पानी। आप इसे लगाइए और लगाने के बाद ही अंदाज़ा होगा आपको कि ये किस तरह का पानी है। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़, फिर अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी।